नाजिक राम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजिक राम, इस वक्त हम पहुंचे थे बालासोर के सुनहट बड़ा अस्ताने के करीब। कुछ जगह की जो है मापजोक चल रही थी म्यूनसिपालिटी की जानिब से। इस वक्त मज़ार कमेटी के मेम्बरान, सुनहट के जिम्मेदार लोग, तमाम लोग मौजूद हैं। पूछेंगे कि क्या हो रहा था आज, क्यों माप की जो है काम चल रही थी, ज़मीन मापा जा रहा था। हमारे साथ कामिल भाई हैं जो मज़ार कमेटी के मेम्बरान हैं, उनमें से पूछेंगे। कामिल, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा अस्ताना का जो हम लोग का माप हुआ था, जो हम लोग जो पिन गाड़े थे उसमें कुछ ऑब्जेक्शन म्यूनसिपालिटी और तहसील को दिया गया था, जिसके लिए आज जो है म्यूनसिपालिटी और तहसील से अमीन आए थे। और वो जो है आज पूरा जगह जो है माप के हम लोग का जो जगह था उसको वो जो है ओके जो है बोले कि हम लोग का पिन सब ठीक है। मैंने मज़ार कमेटी का जो पिन गाड़ा हुआ है पहले से वो सब सही है, वो सही है। अच्छा, और उसमें जो महानाल है वो नाल और जो है नाला जो है वो म्यूनसिपालिटी को हम लोग भी अनुरोध करते हैं वो अपना उसका नाला निकाल दें। तो फिलहाल किस बात को लेकर जो है, क्योंकि हम लोग जो हम तक बात पहुंची थी कि बहुत दिन से जो है माप हो रहा था, आप लोगों का जो सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, तो वो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम था जिसको लेकर? प्रॉब्लम था कि प्रॉब्लम ये था कि जो नाले के बाद में जो है जो महिला के जो कुछ है वो लोग जो है ऑब्जेक्शन कर रहे थे। कमेटी जो है, क्या है नाला के बाद में, नाले के बाद में जो जिसका अपना पर्सनल प्लॉट सब है वो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि जो है कमेटी जो है इस तरफ नाले के ऊपर में आ गया है। अच्छा, कमेटी मजार, हाँ, मजार कमेटी आ गया है। लेकिन आज वो जो है साबित हो गया कि नहीं, कमेटी जो है जो पिन गाड़ा हुआ है वो उसका सही जगह में है। अब जो उसके ऑपोजिट जो है उनको वो जो है वो तहसीलदार तहसील का अमीन और म्यूनसिपालिटी का अमीन वो लोग जो है वो लोग माप के उन लोग पिनअप कर दे गए हैं। अब जिसको उनका मैंने ये करना होगा, कंप्लेन करना होगा, वो म्यूनसिपालिटी तहसील कंप्लेन करके वो अपना उसका मतलब ये कह रहा कि नाजिन के जो मज़ार कमेटी जिस तरह बात रख रही थी कि मज़ार कमेटी का जो पिन गाड़ा हुआ, आप देख सकते हैं कि किस तरह जो पिन गाड़ा हुआ था वो पिन जो है बाकायदा तौर पे जो है सही है। मज़ार कमेटी का जो आज जो माप हुआ म्यूनसिपालिटी के जरिए, तो उसे बताया गया कि वो जो है पिन जो है सही ढंग से गाड़ा गया है और मज़ार कमेटी अपने जगह सही ढंग पर मौजूद है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो है और भी बहुत सारे मोहल्ला के लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि आप लोग भी माप, मोहल्ला के सरदार हैं हमारे साथ चुनू भाई हैं, तो उनसे पूछेंगे कि आप लोग मौजूद रहे कि किसी तरह से शांति भंग ना हो, उसको जो है आप मद्देनजर रखते हो, आप लोग मौजूद थे, तो क्या हुआ, किस तरह का रहा? नहीं, हम लोग का जो माप अप जो हो गया, जो माप था पिन वो सही था, और म्यूनसिपालिटी का अमीन और तहसील का अमीन जो आए थे वो भी सही निकाल दिए, और जिधर महानाव करने के लिए उधर निकल गए थे, और कोई सा असुविधा ही नहीं। मैंने अभी फिलहाल सब मामला सॉल्व हो गया, सब सॉल्व हो गया, अभी हम लोग का कोई झमला ही नहीं। तो नाजिन, आप देख सकते थे कि हमारे साथ जो है तमाम मोहल्ला के लोग मौजूद हैं, और इस वक्त आप नज़ारा देख सकते थे किस तरह माप हो रहा था। म्यूनसिपालिटी के तमाम जो है जितने भी जो है अमीन वगैरह जो है आके जो है जगह के माप कर रहे थे, और मज़ार कमेटी हमेशा से जो है सच्चाई के राह पे चलते आ रहा है, तो उसी का जो है आज देखा जीता जागता जो है मिसाल भी पेश आया कि वो जो भी अपना जगह को जो है माप करके रखा है वो माप जो है वाकई जो है सही साबित हुआ है। तो इसको लेकर जो भी मतलब ऑपोजिशन में जो भी अपने जगह को लेकर प्लॉट को लेकर आवाज उठा रहे थे, अगर हो सकता है तो उनकी भी राय जो है आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। नाजिम, आप सुन रहे थे जिस तरह हम बालेश्वर के सुनहट बड़ा स्थान के करीब में मौजूद हैं, जिस तरह माप जो हुआ आज अमीन के जरिए, और जिस तरह बड़ा अस्ताना के जो लोग जो है जो कमेटी के मेंबरान जो है वो अपने इस माप को लेकर जो है पुरसकून जो है महसूस किए कि नहीं, जो माप हुआ वो सही हो गया है। उनके जिस तरह जो है उन खुटी गाड़ा गया था, उन लोग जो मज़ार कमेटी जो खुटी गाड़ी थी वो सही है, ये जो है अमीन के ज़रिए भी बताया गया। तो इस वक्त हमारे साथ अब्दुल लतीफ़ भाई और गुड्डू भाई हैं, मास्टर शकील साहब हैं, जिनका जो है जगह यहाँ पर है और बाकायदा यहाँ पर उनकी जो है ज़मीन है, और उन लोगों के लिए जो है रास्ता के लिए जो है बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो उनसे पूछेंगे कि किस तरह जो आज जो माप हुई जो है बाकायदा तौर पे म्यूनसिपालिटी की जानिब से बहुत सारे अमीन आए थे और माप हुआ, और मज़ार कमेटी के लोग भी थे, सुनहट के जिम्मेदार लोग भी थे, आप लोग भी थे, तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह रहा माप आज? अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो ऑब्जेक्शन था कि भाई जो कमेटी जो बड़ा अस्ताना के मेम्बरान जो यहाँ पे लोहा का खम्बा डाले थे, तो उस खम्बा का जो मेजरमेंट आज गवर्नमेंट के अमीन, तहसील अमीन और म्यूनसिपालिटी अमीन
और सेटलमेंट अमीन तीनों अमीन थे और कमेटी के जानिब से भी एक अमीन मुकर्रर थे, तो वो चारों अमीन रहने के बावजूद साथ में प्रशासन भी था, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थे, पुलिस भी मौजूद था और वहाँ से जो है म्यूनसिपाल्टी का एनफोर्समेंट टीम भी थे, सारे रहने के साथ साथ ये मेजरमेंट किया गया है। और जो है एंट्रेंस में जो है 25 कड़ी है, जो एंट्रेंस दाखिल दरवाजा है रास्ता का 25 कड़ी है, और बीच में 25 कड़ी है, मिडिल में 22 कड़ी है, और जो सामने है 17 कड़ी है, उसके बाद से जो एल हो गया है वो 15 कड़ी करके सीधा गया है। जो माप हुआ तो वो किस तरह रहा, मतलब नहीं अभी जो माप हुआ है माप तो सही गया है, लेकिन अभी जो डिमार्केशन पिनिंग नहीं हुआ है, डिमार्केशन पिनिंग जो है वो ऑफिसर करेंगे और वो जो है हमारे सब कलेक्टर कलेक्टर के जरिए से होगा, मौजूदगी में होगा डिमार्केशन पिन करेंगे। और इस रास्ता का हमने उनको जो है बता दिया है कि यहाँ पे 50 घर जो है यहाँ पे रहते हैं, जिसके वजह से हमें जो है हमारा मौलिक अधिकार है कि हमको रास्ता दिया जाए, जिसके वजह से हम लोग म्यूनसिपाल्टी में टैक्स देते हैं, म्यूनसिपाल्टी में होल्डिंग टैक्स है, सब है, हमारा यहाँ पे मंडप किया गया है जिसके लिए हमको रास्ता टोटल नहीं है, हम लोग का रास्ता ब्लॉक हो गया है, हमारा अगर कोई मर के पड़ा रहेगा तो भी वो मतलब एम्बुलेंस जाने का रास्ता नहीं है, जिसके वजह से हम लोग जो है ये चीफ मिनिस्टर के पास कंप्लेन दिए थे, जिसकी वजह से हमारे फाइटी सेक्रेटरी के जरिए से, कलेक्टर साहब के जरिए से और सब कलेक्टर साहब के जरिए से, SP महोदय से सबसे हमने गुजारिश किया था, उनका जो है हम पे बहुत बड़ा मेहरबानी था। सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि आप ये कहेंगे कि जो आज जो माप हुआ वो सही नहीं हुआ? नहीं, माप जो है म्यूनसिपाल्टी के अमीन का जो माप है, माप बिल्कुल बाकायदा दुरुस्त है, लेकिन जो है डिमार्केशन पिनिंग अभी हुआ नहीं है, वो होना बाकी। अब उनका जो है एनफोर्समेंट टीम आएगा कि डिमार्केशन करेंगे कि एवेक्शन करेंगे क्या करेंगे, वो म्यूनसिपाल्टी वक्त बताएगा, म्यूनसिपाल्टी वाले उसका। तो हमारे साथ अब्दुल लतीफ भाई उर्फ गुड्डू भाई मौजूद थे, उनका कहने का मतलब है कि आज जो माप हुआ है या बड़ा स्थाना के जो करीब में जो रास्ता गुजर कर जा रहा है पूरा मोहल्ला, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, क्या प्रॉब्लम हुआ जो माफ हुआ, क्या आप सुकून इसमें मतलब इत्मीनान नहीं है? नहीं है मेरे को इत्मीनान, सब हुआ इत्मीनान, मगर मेरे पॉट के पास जो है प्रॉब्लम हुआ, तो ये महानाड़ों को ला के मेरे घर के अंदर डाल दिए, तो ये जो पूर्व रोड से माफ के लाए जो वो यहाँ पर चैन गिरा, तो उस तरफ से जो है वो कोना जो होता है उसका माफ नहीं लाए वो, हम जब बोले तो उधर बोले जो पोखर है कादो है हम नहीं जाएंगे, इसका मतलब नहीं है कि वो वहाँ से माप के लाएंगे, जाएंगे नहीं आगे को फिर लाके हमारे यहाँ डाल देंगे, बोली तो इसको आके तुम देखो आके इसको प्रॉब्लम को देखो कितना है, वहाँ से माप के ना नहीं हमारा 1.5 डिसमिल उधर है इधर नहीं किए, तो ये हमारे घर के ऊपर गिरा है, ये हमारा ऑब्जेक्शन है। तो क्या बोलना चाहेंगे कि नहीं सही माप नहीं, ये सही माप नहीं, हम अमीन को भी बुलाए वो आए नहीं दोबारा, बोले नहीं तुम ऑब्जेक्शन दो, ये क्लियरेंस लेके गए, बोले जो ये क्लियर है सबका साइन लग गए, हम बोले जो हम सबका क्लियर है मगर हम ऑब्जेक्शन करते हैं मेरे घर के ऊपर गिरा है, तो हम जो है लिख के देंगे जो मेरा ऑब्जेक्शन है ना, आप जाके आप तहसील में ऑब्जेक्शन कीजिए, ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे तो क्लियर फिर कैसा है, एक आदमी अगर ऑब्जेक्शन किया तो फिर क्लियर कैसा हुआ, सारे आदमी करेंगे तब तो क्लियरेंस होगा ना। हमारे साथ मास्टर शकील साहब भी हैं। तर्जुमान का बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे बड़ी बात है डिप्टी कलेक्टर ने जो ऑर्डर दिया है मापने का, यहाँ मतलब रास्ता और नाला निकालने का, तो अमीन लोग आए थे वो कम्पिटेंट थे, अच्छे से माफ हुआ, लेकिन एक जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम एक आदमी को है, वो है उत्तर और पश्चिम का तरफ जो कोना है, और चूंकि वो उधर से पहले दीवार बन चुका था 25 साल से, अभी उसको देखे नहीं पानी उनी की वजह से, वो फिर बाद में देखेंगे, वहां पर पॉइंट है, बाकी इन्होंने सारा जगह सही मापा है, तो यहाँ नाला और ड्रेन और रास्ता हो जाने से सभी का सही होगा। तो यहाँ पर जो एक है मोजन साहब का लास्ट में वो सीधा और ये सीधा दोनों आ रहा है, तो इस पॉइंट में थोड़ा सा उत्तर पश्चिम पॉइंट का। फिलहाल अभी हाँ। क्या कहेंगे, माप जो हुआ सही हुआ या नहीं? माप सारा सही है, एक दो पॉइंट में जो है वो अपना ग्रीवियंस हो बता देंगे जाके, म्यूनसिपैलिटी के जो अधिकारी हैं इंजीनियर साहब को बताएंगे, उसके बाद माप तो सही है, शांति के साथ माप हुआ। जी जी। तो नाज़रीन किराम आप सुन रहे थे, क्योंकि मजार कमेटी कह रही थी कि जो है माप जो है बहुत ही बेहतरीन हुआ है, और ये जो है महानाला है, और जो नई महानाला का ऊपर में रास्ता बनाने की जो कोशिश म्यूनसिपाल्टी की जानिब से हो रही थी, उसके ऊपर में उन्होंने जो है सब कलेक्टर को आज जो है बाकायदा तौर पे लिखित तौर पे जो है सब कलेक्टर के पास में एप्लीकेशन दिए थे। लेकिन यहाँ पे जो है जो यहाँ पे बासिंदे हैं, यहाँ पे उनके जो है मकामी उनके घर हैं या मंडप है, उनके कहने के मुताबिक यहाँ पे 50 से ज्यादा घर है, आगे जो है जो भी किया जाए सही ढंग से किया जाए, सोच समझ कर किया जाए, किसी को
परेशानी नहीं हो, चाहे मजार कमेटी हो या आम लोग हो, किसी को भी परेशानी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, इसी का जो है आज यहाँ पर बात रखी गई। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, तर्जुमान, न्यूज़ टाइम, बालेश्वर, ओडिशा।